मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के दूसरे दिन 2 नवंबर को लाडली लक्ष्मी उत्सव आयोजित किया गया। लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गति देने के लिए समारोह पूर्वक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्थित पार्क को लाडली लक्ष्मी वाटिका के रूप में स्थापित किया गया तथा गुप्ता पेट्रोल पंप से केंद्रीय विद्यालय के मध्य नवनिर्मित सड़क को लाडली लक्ष्मी पथ के रूप में स्थापित किया गया। लाडली लक्ष्मी वाटिका में पार्क के अंदर वृक्षारोपण किया गया। गुप्ता पेट्रोल पंप से केंद्रीय विद्यालय के मध्य नवनिर्मित कंक्रीट सड़क को लाडली लक्ष्मी पथ के रूप में स्थापित किया गया है। लाडली लक्ष्मी पथ चौराहे पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सामूहिक लोकगीत एवं लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया गया। उसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। सामूहिक देशभक्ति गान का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत उपस्थित जनों को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गुढ़ विधायक नागेंद्र सिंह, सांसद रीवा जनार्दन मिश्रा, रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प सहित तमाम गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सफल हुए हैं। मेरी उम्मीद है कि लाडली लक्ष्मी ही नहीं सारे नागरिकों के सुख सुख सुविधा का जो ख्याल उनके मन में है वो फलीभूत होगा और रीवा अग्रिम पंक्ति में मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में उद्योग की दृष्टि से लोग बागों को बेरोजगारी के दृष्टि से आगे सफलता हासिल करेगा। पूरा मुख्यमंत्री से लेके और सारे मंत्री विधायक ये प्रशासन ये पूरा बेटियों के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। आज का दिन बेटियों का दिन है, मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा है। और कौन सा ऐसा काम है जो बेटियां नहीं कर सकती? क्या ये कलेक्टर नहीं बन सकती? क्या ये SP नहीं बन सकती? क्या ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकती? क्या ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकती? ऐसा कौन सा काम है? अब तो पुलिस में भी हम लोग देखते हैं कि बेटियां डंडे लेके खड़े हैं और गुंडों का दिमाग ठीक करने के लिए जब मुख्यमंत्री आते हैं तो VIP ड्यूटी में बेटियां भी डंडे ले लेके और पुलिस आरक्षक भी बन रही है। तो इसलिए बिल्कुल ऐसा काम नहीं है। ये कल्पना चावला ने जो कमाल किया है ये क्या छोटा कमाल था? अंतरिक्ष में जाके और भारत का नाम रोशन किया। आज कल्पना चावला के नाम से पॉलिटेक्निक में हम लोग एक मूर्ति कल्पना कल्याण समिति वाले वहाँ पर एक प्रतिमा लगा रहे हैं।
तो इसलिए पूरे बेटियों का हौसला बुलंद रहे, ये मुख्यमंत्री की मंशा है जो मैंने समझा है कि हौसला बुलंद रहना चाहिए। और जब हौसला बुलंद होता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, तो फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करती है। तो अभी जूडो कराटे में प्रदर्शन हम लोगों ने देखा, पांच पांच लड़के एक लड़की पर अटैक कर रहे थे और पांचों लड़कों को जमीन पर बिछाने का काम वो बच्ची कर रही। अभी कलेक्टर साहब कह रहे थे कि कोई भी गलत मंशा वाला व्यक्ति से यदि कोई लड़की तेज आवाज में बात कर ले तो वहीं पर वो ढीला पड़ जाता है। लेकिन तेज आवाज में बेटी बात कैसे करे, इसके लिए इस प्रकार के सम्मान, इस प्रकार का पहचान, इस प्रकार की योजनाएं, इस प्रकार का उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है। ये एहसास कराने में जो सफलता प्राप्त की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, आज मैं उनका हृदय से उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने वास्तव में ऐसा काम किया है जिससे आज नीता कौल जैसी हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष जो इतनी अनुभवी है, वो ये कह रही है कि जब तक ये योजना नहीं थी, जब तक ये सरकार नहीं थी, मुख्यमंत्री नहीं थे, तब तक माहौल दूसरा था। और आज जब इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से काम हो रहा है तो आज माहौल बदल गया है। यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये शास्त्रों में लिखा है। जहाँ नारियों की पूजा होगी वहीं पर देवताओं का वास होता है, और जहाँ पर देवताओं का वास होता है वहाँ पर प्रगति होती है, तरक्की होती है। और जहाँ पर नारियों का सम्मान नहीं होगा वहाँ पर देवता भी ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए